नमस्कार दोस्तों, अनीताज कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेड सैंडविच बनाऊंगी जो आप लोगों को, छोटे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जिसके लिए मैंने सामग्री ली है, ये चार मैंने ब्रेड ले लिया है, एक कप बेसन है, एक कप सूजी है, इसमें बहुत सारी सब्जियां डालूंगी। तो चलिए इसका घोल बना लेते हैं। ये मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है, अब इसी में सारी सामग्री को डालते हैं। ये एक कप सूजी ली थी, इसको इसी में डाल लेंगे। बेसन भी इसी में डाल लेंगे। ये आधा कप शिमला मिर्च मैंने काट लिया था छोटा छोटा, इसको भी इसी में डाल दें। ये आधा कप प्याज थी, इसको भी इसी में डाल देते। ये आधा कप टमाटर, इसको भी इसी में डाल लें। ये आधा कप गाजर है, इसके भी इसी में डाल लेते। ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, इसको भी इसी में डाल लें। ये दो हरी मिर्च हैं, इसको भी डाल लेते हैं। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, ज़्यादा कम जैसा पसंद करें। ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसको भी इसी में डाल लेते हैं। कुछ मसाले ऐड करेंगे, दो तीन मसाले ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये आधा चम्मच चाट मसाला है, इसको भी इसी में डाल लेते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसको भी इसी में डाल लेते हैं। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, इसको भी डाल लेते हैं। ये नमक है, इसको डाल लेते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, जैसा आप पसंद करते हो। वे पानी है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिला लेते हैं। ये बहुत सारी सब्जियां मैंने डाली हैं, जैसे बच्चे सब्जी नहीं खाते तो आप इस तरह उनको सब्जी खिला सकते हैं, जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे और हेल्दी भी रहेगा। अभी 15 मिनट हो गए हैं, अब इसको देख लेते हैं। ये अच्छे से सेट हो गया है, इसको ऐसे मिक्स करके अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। ये बहुत थोड़ा डाल देते हैं, 1/4 स्पून मिला लेंगे ऐसे। ये तैयार हो गया, ब्रेड में लगाते हैं। ये मैंने पहले दो ब्रेड ले ली है, इसको ऐसे रख लेते हैं। अब इसमें पिज्जा सॉस लगाएंगे, कोई भी सॉस लगा सकते हैं, टोमेटो सॉस, पिज्जा सॉस, जो भी सॉस आपके पास हो वही लगा दीजिए। एक पतली लेयर लगा देनी है ऐसे। सॉस मैंने लगा दिया है, अगर कोई सॉस घर पे ना हो तो आप टमाटर की चटनी पीस के उसको भी लगा सकते हैं। अब इसमें ये जो मैंने बैटर तैयार किया था, इसको इसी में रखेंगे। बराबर से फैला देंगे। ये मैंने दोनों में लगा दिया है, जितना मोटा ब्रेड है बस उतना ही मोटा लगाना है, ज्यादा मोटा ना रहे जिससे अच्छे से पक जाए। अब इनको तवा में या फ्राई पैन में या कढ़ाई में किसी में भी रख के सेक लेंगे। कढ़ाई मैंने गैस में रख दी है, अब गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसमें ये देसी घी लगा देंगे, आप बटर भी लगा सकते हैं। अब ब्रेड को उठाएंगे, इसी में रख देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो गया,
अब इसको हटा लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पक गया है, अब इसमें ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे, इसको उठा के थोड़ा सा घी नीचे लगा दें। अब इसको पलट दें, फिर से थोड़ी देर कवर कर दें, 5 मिनट हो गए। इसको हटा के ये देखिए अच्छे से पक के तैयार हो गया है। इसको ये देखिए ये देखिए बढ़िया कलर आया है। मैं कढ़ाही में बना रही हूँ इसलिए एक एक बन रहा है, आप लोग तावा में बनाएंगी तो दो दो एक साथ चार एक साथ बन जाते हैं। मेरा छोटा तावा है इसलिए मैंने इसमें नहीं बनाया। अब इसको हटा के अलग रख देते हैं, अब दूसरा रखते हैं। अब इसमें फिर से घी लगा देंगे, फिर रख देंगे, फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसी तरह सारे बना लेने हैं। सारे सैंडविच बनके तैयार हैं, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। अब इनको मैं काट के दिखाती हूँ, एक चाकू ले लेंगे, इसको बीच से कट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा बना है। इनको आप टोमेटो सॉस, हरी चटनी, टमाटर की चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। मेरा सैंडविच बनाने का तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।